एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गर्ल्स, आज की वीडियो में आप लोगों को जोइवा मेकअप ब्रशेस का रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि इस ब्यूटीफुल से लेदर के पाउच में आता है। पॉकेट फ्रेंडली है, ब्रशेस के बिखरने या फिर गिरने का, खोने का, टूटने का बिल्कुल भी कोई भी डर नहीं होता है। आप इसको कहीं पर भी आराम से लेकर जा सकते हैं, आ सकते हैं। और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग है इसकी, पॉलीथीन में सेपरेट होकर आता है। हर एक ब्रशेस का अलग से पॉलीथीन होता है, जो कि इसको बिल्कुल भी टूटने या इसके ब्रशेस को बिखरने नहीं देता है। ब्रशेस देखने में कुछ इस तरह से हैं। सारे ही आपको ब्रशेस यहाँ पर मिल जाएंगे, फेस ब्रशेस हो या फिर आईज़ मेकअप के लिए हो, सारे ब्रशेस आपको इसमें अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी। और गाइस, यहाँ पर फर्स्ट मैं आपको फेस ब्रशेस के बताऊंगी, जिसमें आपको 6 फेस ब्रशेस मिलते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इनके ब्रिसल्स इतने अच्छे हैं, जो आपके फाउंडेशन हो, ब्लश हो या फिर आप जो भी यूज़ करते हैं, ये इनको बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड करता है। इनके ब्रिसल्स गाइस बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आप इसको हैंड में लेते हैं और ये निकल जाता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ब्रश जो आप लोगों के सामने है वो है पाउडर ब्रश। आप इससे पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडिंग में परफेक्ट है गाइस, बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग है एंड इसके ब्रिसल्स बहुत ही सॉफ्ट हैं। एंड जो सेकंड ब्रश है ये है कॉन्टोर ब्रश गाइस। बहुत सारे मेकअप ब्रशेस मैंने देखे हुए हैं जिनमें आपको कॉन्टोर ब्रश नहीं मिलता, बट अगर आपको इसमें मिलता है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ब्लेंडिंग में परफेक्ट है, आप देख सकते हैं इसके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं गाइस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। मैंने इनका रिव्यू इसको यूज़ करने के बाद किया है, तो आप इसको बेफिक्र होकर परचेज़ कर सकते हैं। एंड गाइस, जो मेरा थर्ड ब्रश है ये है एंगल ब्रश गाइस। इससे आप ब्लश यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं, कॉन्टोरिंग के लिए बेस्ट रहेगा, आप ब्रॉन्जर इससे यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ों के लिए बेस्ट है गाइस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, मैं दोबारा बता रही हूँ, आप इनको वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड गाइस, जो फोर्थ ब्रश है ये ब्रश गाइस, मैंने ये एंड कॉन्टोर ब्रश, ये दो ब्रश गाइस मैंने बहुत ही कम मेकअप ब्रश देखे जिनमें आपको ये अवेलेबल होता है, बट अगर इसमें मिल रहा है तो बेस्ट है। इससे आप प्राइमर को ब्लेंड कर सकते हैं, फाउंडेशन लगा सकते हैं, फेस पैक लगा सकते हैं। एंड उसके बाद गाइस, जो मेरा फोर्थ ब्रश है वो है ब्लश। इससे गाइस आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा एंगल है, बट ब्लश के लिए बहुत ही बेस्ट है गाइस। एंड जो मेरा सिक्स्थ ब्रश है गाइस, वो बहुत ही बेस्ट है हाइलाइटर के लिए, क्योंकि ये एक फैन ब्रश है। एंड फेस ब्रशेस हो गए हैं गाइस, अब मैं आपको आईज़ मेकअप का बताऊंगी। आईज़ मेकअप के लिए हमें यहाँ पर 8 ब्रशेस मिलते हैं, जो कि सारे बेस्ट हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी। और इन ब्रशेस पर भी आपको नेम अच्छे से अवेलेबल हैं कि आप कौन सा ब्रशेस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं आईज़ पर। यहाँ पर हमें 3 ब्रशेस मिलेंगे गाइस, जो कि ब्लेंडिंग के लिए है, और ब्लेंडिंग में भी इनका अलग वर्क है। और ये ब्रश जो है गाइस, इससे आप अपने आईब्राउज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर आप कट क्रीज अपने आईज़ मेकअप पर देना चाहते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो ये ब्रश है गाइस, इसको आप कंसीलर ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली ये मैंने देखे हुए मेकअप ब्रशेज़ में नहीं मिलता, बट इसमें मिल रहा है आपको। और जो ये ब्रश है गाइस, इससे आप आईलाइनर लगा सकते हैं, एंगल ब्रश है इसलिए। एंड उसके बाद गाइस, इससे भी आप अपने आईब्राउज़ को फिल कर सकते हैं, अपने आईब्राउज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जो ये ब्रश है गाइस, इसमें भी नेम मेंशन किया हुआ है कि आप इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करें। अगर आप कोई स्मोकी लुक देना चाहते हैं और उस चीज़ के लिए अगर आप इसको यूज़ करते हैं, तो आपके जो आई शेडोज़ होंगे बहुत अच्छे से ब्लेंड होंगे। और अगर आप अपने लाइनर को बहुत ही सॉफ्ट लाइनर देना चाहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट लुक देना चाहते हैं अपने लाइनर को, तो उसके लिए ये ब्रशेज़ जो हैं ये बेस्ट रहेगा। गाइज, अब बात कर लेते हैं इन 3 आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रशेस के बारे में। देखने में सेम है, बट इनके जो वर्क है वो डिफरेंट हैं, और इनके वर्क नेम आपको यहाँ पर अच्छे से मेंशन किए हुए हैं, तो आपको टेंशन की बात नहीं है। ये दिखने में सेम है, बट इनके जो वर्क हैं वो डिफरेंट हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।